नमस्कार साथियों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं लूसेंट के बारे में। आज से हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक को देखते हैं। इसके टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले पाठ्यक्रम देख लेते हैं, क्या क्या देखेंगे हम लोग इन लेक्चरों में। तो सबसे पहले देखते हैं यह सामान्य ज्ञान लूसेंट। विषय सूची देखें। ठीक, विषय सूची तो सबसे पहले इतिहास। इतिहास में हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण समाज, भारत की यवन राज, शक कुषाण, गुप्त साम्राज्य, पुष्पवती वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश और सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। प्राचीन भारत में हम लोग इतने टॉपिक देखेंगे। फिर आता है हमारा मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो इसमें देखेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, सल्तनत काल देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य देखेंगे, बहमनी राज्य देखेंगे, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य देखेंगे, सूफी आंदोलन देखेंगे, भक्ति आंदोलन भी देखेंगे, मुगल साम्राज्य देखेंगे, मुगल शासन व्यवस्था, मराठों का उत्कर्ष भी देखेंगे मध्यकालीन भारत में। फिर आता है हमारा आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में हम लोग बात करेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, अंग्रेजों का मैसूर से संबंध, सिख एवं अंग्रेज कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। फिर देखेंगे 1857 ईस्वी की महान क्रांति। आगे देखेंगे अंग्रेजी शासन के दौरान हुए महत्वपूर्ण विद्रोह। फिर बात करेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तत्व। फिर बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे। भारत के महान शहीद देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए गए प्रमुख वचन और नारे देखेंगे। फिर बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। कांग्रेस अधिवेशनों के बारे में बात करेंगे, कब और कहाँ हुए हैं। फिर बात करेंगे भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, प्रमुख राजवंश और संस्थापक और राजधानी। ठीक, आधुनिक भारत में इन सबको देखेंगे। फिर आता है हमारा विश्व इतिहास। याद रखिए, इसमें देखेंगे हम पुनर्जागरण, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की राजक्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, चीनी क्रांति, तुर्की इटली में फ्रांसिस्टों का उदय, जर्मनी में नाजीवाद का उदय, जापानी साम्राज्यवाद, द्वितीय विश्व युद्ध देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे भूगोल के बारे में। किसके बारे में? भूगोल। दूसरा हमारा विषय है भूगोल। ठीक है, याद रखिए, इसमें हम लोग इतिहास में देखेंगे प्राचीन भारत को, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर है दूसरा हमारा विषय आता है भूगोल। इसमें बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में, सौर मंडल, पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध, पृथ्वी की संरचना भी देखेंगे, महाद्वीप देखेंगे, जल मंडल देखेंगे, महासागरीय जलधाराएं देखेंगे, वायुमंडल देखेंगे, विश्व की प्रमुख फसलें एवं उनके उत्पादक देश, विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश, विश्व की प्रमुख वनस्पतियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, विश्व के प्रसिद्ध स्थान, विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें, विश्व के विनिर्माण उद्योग, विश्व के महासागर, विश्व की प्रमुख नहरें, विश्व की प्रमुख जलसंधियां, विश्व के प्रमुख जल डमरू, विश्व की प्रमुख नदियां, नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर, विश्व के प्रमुख जलप्रपात, झीलें, पर्वत शिखर और द्वीप, पठार, रेगिस्तान, राजधानी मुद्रा देखेंगे और भू आविष्टित देश। ठीक है, भूगोल में फिर बात करेंगे हम लोग इसी में भारत का भूगोल। तो इसमें सामान्य जानकारी भारत से संबंधित होगी, भारत की मिट्टी हो गई, जैसे जलवायु हो गई, जलप्रपात हो गए, झीलें हो गई भारत की, भारत के खनिज हो गए, उद्योग हो गए, परिवहन, जनगणना 2011 की, इसमें सब कुछ देंगे हम लोग। फिर आता है हमारा आगे सब्जेक्ट, हमारा विषय
भारतीय संविधान, तो इसे याद रखिए, इसमें भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास देखेंगे, संविधान सभा को देखेंगे, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत देखेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूची, संघ और उनका राज्य, देशी रियासतों का भारत में विलय, राज्यों को पुनर्गठन, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, भारतीय नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पद। चलिए, तो इसमें भारतीय संविधान के बारे में सब कुछ देखेंगे, हम लोग बात करेंगे, ठीक। ये पंचायती राज, महत्वपूर्ण शब्दावली, ये सभी देखेंगे। फिर आता है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसमें राष्ट्रीय आय, आर्थिक आयोजन, नई आर्थिक नीति, भारतीय वित्त व्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार, आर्थिक शब्दावली और विविध तथ्य देखेंगे, ठीक। फिर बात करेंगे हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में, इसमें बात करेंगे मात्रा, गति, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, दाब, पिलवन, पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता, सरल आवर्त गति, तरंग, ध्वनि तरंग, ऊष्मा, विकास, स्थिर विद्युत धारा, चुंबकत्व, परमाणु भौतिकी, ब्रह्मांड, वैज्ञानिक उपकरण, यंत्रों, उपकरणों के आविष्कार, ये सब देखेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, कंप्यूटर के सबसे संबंधित सब कुछ देखेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में, पदार्थ एवं उनकी प्रकृति, परमाणु संरचना, गैसों का आचरण, ये सब देखेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बारे में, इसमें वर्गीकरण, जीवों का अनुवांशिकी, जैव विकास, वनस्पति विज्ञान, पादपों का वर्गीकरण, ठीक, सब कुछ देखेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक के बारे में, टेक्नोलॉजी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय परमाणु अनुसंधान, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी देखेंगे। फिर अब बात करेंगे हम लोग विविध के बारे में, जैसे भारत में प्रथम महिला, पुरुष, अन्य, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा, ऊंचा, विश्व में प्रमुख, विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, इस तरह के हम सामान्य ज्ञान के बारे में बात करेंगे, ठीक है, साहित्यकार दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इस तरह से ये सब देखेंगे। फिर आता है हमारा लास्ट खेलकूद, क्या आता है, खेलकूद, ठीक है, तो हम बात करेंगे लास्ट में खेलकूद के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे अगले लेक्चर में, हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, उसमें भी बात करेंगे हम लोग प्राचीन भारत के बारे में, ठीक है। तो ये सभी था पाठ्यक्रम, ठीक है, जो जो पढ़ना है हम लोगों को।